जन सरोकार के सभी श्रोता दर्शकों को प्रियंवदा पांडे का हार्दिक नमस्कार और आदरणीय देवेंद्र जी का भी आत्मीय आभार व्यक्त करती हूँ मैं, जिन्होंने पटल के माध्यम से मुझे आप लोगों से रूबरू कराया। आज मैं इस पटल पर अपनी कुछ कविताएं लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव मन की जो संरचना है वो हमेशा आनंद की खोज में लगी रहती है। आनंद को तलाशते हुए मनुष्य कभी कविता, कभी कहानी, उपन्यास, तो कभी नृत्य, गीत, संगीत, इन सब चीज़ों को ढूंढता रहा है। जब लिपि का विकास नहीं हुआ था और लिखित रूप में कोई भी ऐसा गीत, संगीत, कविता या कुछ भी लोगों को सुलभ नहीं था, तब भी मुझे लगता है कि लोकगीतों के माध्यम से लोग अपने मन को का आह्लाद एक दूसरे से साझा करते थे, एक दूसरे को सुनते थे और आनंद की अनुभूति करते थे। कालांतर में सभ्यता बदली और मनुष्य ने विकास किया, लिपि का विकास हुआ, चीज़ें लिखित रूप में प्राप्त होने लगीं। आज तो यह स्थिति है कि आज कुछ कहना ही नहीं है, आज लोगों के पास मनोरंजन के अनेकानेक विकल्प हैं और तमाम से ऐसे मंच हैं जिससे हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं। फिर भी कविता और कहानी के जो पाठक हैं वो आज भी बरकरार हैं और मुझे लगता है कि हर समय रहेंगे वो। तो कविता प्रेमी श्रोताओं और दर्शकों के लिए मैं आज कुछ कविताएं यहाँ पे प्रस्तुत करूँगी। मुझे उम्मीद है कि कविताएं आपको पसंद आएंगी। पहली कविता है पहला अपराध। मैं कहना चाहती थी पुरजोर तरीके से अपनी बात सबसे। मैं कहना चाहती थी पुरजोर तरीके से अपनी बात सबसे, उन सबसे जिन्होंने मुझे पीड़ा दी, उन सबसे जिन्होंने मुझे पीड़ा दी, वह सब कुछ जिससे मुझे पीड़ा होती थी, वह सब कुछ जिससे मुझे पीड़ा होती थी, जिससे बार बार अकेली पड़ जाती थी मैं, और जहाज के पक्षी की तरह निरुपाय भी, और बार बार अकेली पड़ जाती थी मैं और जहाज के पक्षी की तरह निरुपाय भी, वह सब भी जो खंडित करता था प्रतिक्षण मेरे व्यक्तित्व को, वह सब भी जो खंडित करता था प्रतिक्षण मेरे व्यक्तित्व को, वह सब भी जिसने बराबर कटघरे में रखा मुझे, वह सब भी जिसने बराबर कटघरे में रखा मुझे, वह सब भी जो हक के बावजूद नहीं मिला मुझे, वह सब भी जो हक के बावजूद नहीं मिला मुझे, देना चाहती थी सबको समुचित उत्तर, देना चाहती थी सबको समुचित उत्तर, प्रतिदिन प्रतिपल सोचने के बाद भी नहीं दे सकी, सोचने के बाद भी नहीं दे सकी कोई उत्तर, न कर सकी कोई प्रश्न अपने अपराधियों से, सोचने के बाद भी नहीं दे सकी कोई उत्तर, न कर सकी कोई प्रश्न अपने अपराधियों से। इस तरह पहला अपराध स्वयं के खिलाफ किया, इस तरह पहला अपराध स्वयं के खिलाफ किया। यह उन तमाम लोगों की समस्या है जो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, अपनी व्यथा या अपने अधिकारों की बात वो नहीं कर पाते हैं, प्रायः वहाँ जहाँ उनके अपने लोग होते हैं, जिसके कारण बस वो जीवन भर एक दुख की गिरफ्त में रहते हैं, एक तड़प हमेशा बनी रहती है। कविता का संदर्भ यही था और एक और कविता की, जहाँ तुम्हारी संभावना है। मैं आना चाहती हूँ पूरी शिद्दत से उन जगहों पर, मैं आना चाहती हूँ पूरी शिद्दत से उन जगहों पर जहाँ तुम हो सकते हो, उन जगहों पर भी जहाँ विस्तीर्ण है तुम्हारी आत्मा का मरुस्थल, उन जगहों पर भी जहाँ विस्तीर्ण है तुम्हारी आत्मा का मरुस्थल, बरसना चाहती हूँ वहीं पर बरसात के प्रथमागत बादल की तरह, बरसना चाहती हूँ वहीं पर बरसात के प्रथमागत बादल की तरह, तृप्त कर देना चाहती हूँ तुम्हारा तन मन और जीवन, तृप्त कर देना चाहती हूँ तुम्हारा तन मन और जीवन,
उगाना चाहती हूँ उस रेती पर फूल, मोहक सुगंधित और रंगीन फूल। उगाना चाहती हूँ उस रेती पर फूल, मोहक सुगंधित और रंगीन फूल। लग जाना चाहती हूँ फलों से, स्वादिष्ट और पौष्टिक फलों से। लद जाना चाहती हूँ फलों से, स्वादिष्ट और पौष्टिक फलों से। मैं आना चाहती हूँ पूरी निर्मलता और निश्चलता के साथ। मैं आना चाहती हूँ पूरी निर्मलता और निश्चलता के साथ। स्पर्श करना चाहती हूँ तुम्हारे दुख शोक और विषाद। स्पर्श करना चाहती हूँ तुम्हारे दुख शोक और विषाद। लिपटना चाहती जैसे लिपटते हैं बादल आकाश से। लिपटना चाहती जैसे लिपटते हैं बादल आकाश से। और घुलना जैसे घुल जाती है हवा में गंध। और घुलना जैसे घुल जाती है हवा में गंध। आना चाहती हूँ वैसे नहीं जैसे कोई नायिका अभिसार को आती है। आना चाहती हूँ वैसे नहीं जैसे कोई नायिका अभिसार को आती है। आना चाहती हूँ जैसे बच्चा आता है माँ की गोद में। आना चाहती हूँ जैसे बच्चा आता है माँ की गोद में। और देखना एक दिन मैं आऊँगी। और देखना एक दिन मैं आऊँगी हर उस जगह पर जहाँ तुम्हारी संभावना है। एक उम्मीद की कविता है, आकांक्षाओं की कविता है। एक और कविता, इस बार अप्रत्याशित नहीं था तुम्हारा जाना। इस बार अप्रत्याशित नहीं था तुम्हारा जाना। पहले भी गए थे कई बार घोषित अघोषित। पहले भी गए थे कई बार घोषित अघोषित। और हर बार ही टूटा था मन। और हर बार ही टूटा था मन। फटी थी छाती, विवर्ण हुआ था मुख, रोई थी जार जार। हर बार तुम्हारा जाना मेरे लिए मृत्यु से गुजर जाना था। हर बार तुम्हारा जाना मेरे लिए मृत्यु से गुजर जाना था। जाने वाले को कौन रोक सकता है भला। जाने वाले को कौन रोक सकता है भला। इसीलिए मैंने विदा किया तुम्हें तुम्हारी खुशी की खातिर। इसीलिए मैंने विदा किया तुम्हें तुम्हारी खुशी की खातिर। कुछ संबंध जहां लोग पीछा छुड़ाते हैं या भागने की प्रवृत्ति अपनाते हैं, उनको मुक्त कर देना ही अच्छा होता है। इस संदर्भ की व्यंजना लिए हुए ये एक छोटी कविता थी। और कवि का मन तो बड़ा ही आकुल मन होता है। वो कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। मतलब एक ही स्थिति हमेशा बनी नहीं होती है। वो कभी विरह की बात करता है, कभी मिलन की बात करता है, कभी उसके जीवन में पठार सा भी आ जाता है। इस तरह से कवि कर्म अनेक उतार चढ़ाव के साथ चलता रहता है। तो इस तरह से मेरी भी कविताओं में बहुत तरह की चीज़ें आएंगी और मिलेंगी। एक और कविता की, कभी कभी सुरमई सांझ के साथ ढल जाती है प्रतीक्षा। कभी कभी सुरमई सांझ के साथ ढल जाती है प्रतीक्षा। दूर जाती नाव की फड़फड़ा, दूर जाती नाव की फड़फड़ाती पाल की तरह फड़फड़ाता हुआ मन। दूर जाती नाव की फड़फड़ाती पाल की तरह फड़फड़ाता हुआ मन। तुम हो यहीं कहीं इस प्रत्याशा में स्लत हो जाता है। तुम हो यहीं कहीं इस प्रत्याशा में स्लत हो जाता है। ठहर जाता है तुम्हारी स्मृति की कोटर में, ज्यों ठहरता है सूर्य रात्रि के गर्भ में। ठहर जाता है तुम्हारी स्मृति की कोटर में, ज्यों ठहरता है सूर्य रात्रि के गर्भ में। और लुप्त हो जाता है चांद रात के स्याह सरापे में। और लुप्त हो जाता है चांद रात के स्याह सरापे में। एक आर्त मन की करुण पुकार दबती है। एक आर्त मन की करुण पुकार दबती है बार बार सन्नाटे की छनकार में। नजर नहीं आता तुम्हारी उम्मीद का शुक्र तारा। नजर नहीं आता तुम्हारी उम्मीद का शुक्र तारा, जो चमक कर तुम्हारे होने की गवाही कर सके। प्रेमियों का मन जो होता है वो बड़ा ही आशावादी होता है। प्रेमी जुगल एक दूसरे से बिछड़ने के बाद भी एक दूसरे की उम्मीद में जीते हैं हमेशा, उन्हें हर जगह और जीवन तो जीवन में सुख और दुख अनुभूतियों के विषय हैं। आप जिस स्तर पर अनुभव करते हैं किसी चीज़ का, उसी स्तर पर वह आपके जीवन में विराजमान होती है।
एक प्रसंग जो सुनने को आता है कि कृष्ण और गोपियों का प्रेम ऐसा था कि गोपियों को, हर गोपी को कृष्ण अपने पास दिखाई देते थे। मैं महसूस करती हूँ कि जो व्यक्ति प्रेम में होता है उसको भी अपना प्रेमी व्यक्ति इसी तरह से अपने आसपास हमेशा दिखाई देता है, कहीं भी जाए, वो निर्जन हो या कोई भी स्थान हो, उसे अपना प्रेमी, अपना प्रिय व्यक्ति अपने पास, अपने साथ चलता हुआ दिखाई पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि वहाँ कृष्ण की लीला नहीं रही होगी, वो गोपियों का उत्कट प्रेम रहा होगा जिन्होंने हर पल कृष्ण को अपने पास महसूस किया होगा। और एक और कविता पक्षियों के संदर्भ में, एक दिन एक अद्भुत पक्षी मेरे यहाँ आया था जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था अपने इस जीवन काल में। मैंने उस पर एक कविता लिखी कि मैंने तुम्हें देखा निर्निमेश। जाहिर सी बात है कि जब आप कोई नई चीज़ देखते हैं ना तो देखते रह जाते हैं, अपलक मैंने भी उसे निहारा। बहुत ही सुंदर पक्षी था, कबूतर की तरह का था लेकिन उसका रंग दूसरा था। तो मैंने तुम्हें देखा निर्निमेश, तुमसे पहले मैं जानती थी खंजन के नेत्र बहुत सुंदर हैं। तुमसे पहले मैं जानती थी खंजन के नेत्र बहुत सुंदर हैं, प्यारी है कोयल की कूक, प्यारी है कोयल की कूक, कबूतर का समझना मुझे भाता था बहुत, कबूतर का समझना मुझे भाता था बहुत, और सुख दंपति का पारस्परिक प्रेम खींचता था, और सुख दंपति का पारस्परिक प्रेम खींचता था। अनेक नाम अब भूलने लगे हैं मुझे, अनेक नाम अब भूलने लगे हैं मुझे, याद है कनिष्ठा से भी छोटी चमकीली फुर्तीली काली सुनहली और सैवाली रंग की वह छोटी चिड़िया, याद है कनिष्ठा से भी छोटी चमकीली फुर्तीली काली सुनहली और सैवाली रंग की वह छोटी चिड़िया, बचपन में जिसे देखकर किलक पड़ती थी मैं, बचपन में जिसे देखकर किलक पड़ती थी मैं, हे अनाम पक्षी आज तुम्हें देखकर मैं देख पा रही हूँ, आज तक देखी गई सभी पक्षियों को, हे अनाम पक्षी आज तुम्हें देखकर मैं देख पा रही हूँ, आज तक देखी गई सभी पक्षियों को, और कहती हूँ नीड़ का निर्माण कर लो यहीं, और कहती हूँ नीड़ का निर्माण कर लो यहीं, तुम सुनना बिहवल मन की प्रार्थना, रुकी रहना यहीं इसी आंगन के वृक्ष पर, तुम सुनना बिहवल मन की प्रार्थना, रुकी रहना यहीं इसी आंगन के वृक्ष पर, ताकि डूबी रहूं मैं अनंत तक तुम्हारी उपस्थिति में, ताकि डूबी रहूं मैं अनंत तक तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हें देखना देखना है स्वयं को, तुम्हें देखना देखना है स्वयं को, यत्र तत्र सर्वत्र स्वच्छंद विचरते हुए, तुम्हें देखना देखना है स्वयं को यत्र तत्र सर्वत्र स्वच्छंद विचरते हुए, तुम्हारी निर्मलता और स्वतंत्रता इस बात के सबूत है कि एक दिन सभी मानव पक्षी बनेंगे, तुम्हारी निर्मलता और स्वतंत्रता इस बात के सबूत हैं कि एक दिन सभी मानव पक्षी बनेंगे। सच है कि पक्षी किसको नहीं आकर्षित करते हैं, और एक हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से ये एक लोकगीत आती है कि उसमें लोग कामना करते हैं कि हे मालिक, हे ईश्वर, कभी तुम्हें देखना देखना है स्वयं को यत्र तत्र सर्वत्र स्वच्छंद विचरते हुए, तुम्हें देखना देखना है स्वयं को यत्र तत्र सर्वत्र स्वच्छंद विचरते हुए, तुम्हारी निर्मलता और स्वतंत्रता इस बात के सबूत हैं कि एक दिन सभी मानव पक्षी बनेंगे, तुम्हारी निर्मलता और स्वतंत्रता इस बात के सबूत हैं कि एक दिन सभी मानव पक्षी बनेंगे। सच है कि पक्षी किसको नहीं आकर्षित करते हैं, और एक हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से ये एक लोकगीत आती है कि उसमें लोग कामना करते हैं कि हे मालिक, हे ईश्वर, कभी मुझे मनुष्य नहीं बनाना, क्योंकि दुनिया के जितने दंभ द्वेष और जितनी तरह की विसंगतियां हैं सब मानव जनित हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो। हमको पशुओं से डर नहीं है, पक्षियों से डर नहीं है, आपदा से डर नहीं है, लेकिन मानव ऐसी जाति है जिससे हम डर जाते हैं। हम परेशान हैं तो मानव से ही परेशान है, कोई अपने भाई से परेशान है, बंधु से परेशान है, कोई अपने अधिकारी से परेशान है, नाना तरह की परेशानियां उत्पन्न करने वाला यह मानव कभी से भी मनुष्य की पहली पसंद नहीं रहा है।
और इस तरह से लोग एक लोकगीत गाते थे कि अगर हे प्रभु मुझे अगला जन्म देना तो पक्षी बनाना, क्योंकि लोगों को पक्षियों की स्वतंत्रता दिखती है, वो कितने खुश हैं अपने छोटे से जीवन काल में। जब वो भोजन की तलाश में दूर दूर तक घूमते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है कि पक्षियों का जीवन भी किसी बाधा या किसी दिक्कत से खाली है, उनके भी जीवन में बहुत सारे बहेलिए हैं, बहुत सारे व्याघ्र हैं, पक्षी भी पक्षी हंता होते हैं। तो इस तरह की स्थिति उनके भी जीवन में है, लेकिन जब हम कल्पना करते हैं तो प्रायः हम एक पक्ष को देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम पक्षी बनेंगे। तो इस तरह की चीज़ इस कविता में थी। और एक और छोटी कविता मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि उस समय को लिखते हुए कलम कांपती रही, उस समय को लिखते हुए कलम कांपती रही जिस समय में छोड़ दी गई थी एक स्त्री अकेली, जिस समय में छोड़ दी गई थी एक स्त्री अकेली उस चौराहे पर जहां से कोई मार्ग न सूझने वाला था। बंद कर लिए गए थे कान जिसकी प्रार्थना के विरुद्ध, फेर ली गई थी आंख जिसके भयाकुल चेहरे के समक्ष। मानव तुम्हारी विद्रूपता को लिखते समय कलम जार जार रोई, मानव तुम्हारी विद्रूपता को लिखते समय कलम जार जार रोई। वह नहीं चाहती थी अपने हाथ मानवता की मृत्यु लिखना, वह नहीं चाहती थी अपने हाथ मानवता की मृत्यु लिखना। और एक और कविता, कविता का संदर्भ यह है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं और तमाम ऐसी स्त्रियों को देखते हैं जो मानसिक संतुलन खो चुकी हैं, उनके जीवन में वह स्थिति क्यों बनी है, उसका भी कारक कहीं ना कहीं उनका कोई अपना ही होता है। तो कविता की वह अप्रतिहत रोग की गिरफ्त में है, वह अप्रतिहत रोग की गिरफ्त में है, वह जो हंसती है रामनगर चौराहे के समीप, वह जो हंसती है रामनगर चौराहे के समीप और दौड़ पड़ती है किसी किसी की तरफ, और दौड़ पड़ती है किसी किसी की तरफ अचानक, वह कि जिसकी झील सी आंखों में कोई चित्र भी है, अचानक वह कि जिसकी झील सी आंखों में कोई चित्र भी है, वह कि जिसकी हालत विचित्र भी है। कहते हैं कुछ पागल तो कुछ परित्यक्त है यह, कहते हैं कुछ पागल तो कुछ परित्यक्त है यह, कुछ ने कहा इस पर समय की मार है, ले डूबा इसे किसी अपने का प्यार है। उसने बांध रखे हैं कुछ चिथड़े, उसने बांध रखे हैं कुछ चितड़े, कुछ कतरने करपटों के लगा रखा है ढेर आसपास अनेक चित्रों का, जिसे भी देखती है मुस्कुरा कर। लगा रखा है ढेर आसपास अनेक चित्रों का, जिसे भी देखती है मुस्कुरा कर। झलक उठते हैं दांत छक सफेद, वह नहीं समझ पाती है अब किसी बाकी चितवन की धूर्त धारणा, वह नहीं समझ पाती है अब किसी बाकी चितवन की धूर्त धारणा। नहीं समझती हंसी और लास्य की अवधारणा, नहीं समझती हंसी और लास्य की अवधारणा, नहीं समझती सुबह न शाम कोई, नहीं डराता है उसे अब मानव कोई दैत्य रूपी, नहीं डराता है उसे अब मानव कोई दैत्य रूपी। बुदबुदाती है बस एक नाम रह रह कर, ढूंढती है हर किसी चेहरे में वही एक चेहरा, सुनना चाहती है वही पच्चा अब भी जिसने उसे इस हाल में ला छोड़ा था, कि वह अप्रतिहत रोग की गिरफ्त में है, कि वह अप्रतिहत रोग की गिरफ्त में है। और एक और कविता की नहीं कह सकी, एक पढ़े लिखे लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपनों से विवाद नहीं कर पाते हैं। बहुत असहनीय दुख होने पर वे चुप हो जाते हैं लेकिन विवाद नहीं करते। नहीं कह सकी मैंने कविता में सब कुछ कहने का प्रयास किया, मैंने कविता में सब कुछ कहने का प्रयास किया, यह कि दुश्वारियों चली जाओ, ईर्ष्या तुम भी, द्वेष तुम भी, घृणा तुम भी, यह भी कि सभी तरह के उन्मादों का नाश होना चाहिए, यह भी कि सभी तरह के उन्मादों का नाश होना चाहिए, उनके सर्जकों का भी, जरूरी है यह मानवीय सभ्यता के लिए, जरूरी है यह मानवीय सभ्यता के लिए। जो किसी से मौखिक नहीं कह सकती थी वह भी कहने का प्रयास किया, अफसोस कि नहीं कह सकी। निजाम तुम बदल जाओ,
अफसोस की नहीं कर सकी निजाम तुम बदल जाओ, बदलो की घट जाएं दुश्वारियां, घट जाए उन्माद यह भी कि राग तुम चले जाओ जीवन से बाहर बहुत बाहर, यह भी कि राग तुम चले जाओ जीवन से बाहर बहुत बाहर, नहीं कह सकी। धन्यवाद। और इस तरह से इन कुछ एक कविताओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद है, इस उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ कि कविताएं आपको अच्छी लगेंगी और आप अपने आशीर्वचनों से इन कविताओं को नवाजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।